हिमाचल सरकार ने सामाजिक एवं कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी, हमारे शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया जी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, उप महापौर श्रीमती उमा कौशल जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव श्रीमती सुधा देवी जी, डायरेक्टर रूपाली ठाकुर जी और एंकर एकता गुप्ता जी, और प्यारे सभी मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन मैं इस बीज मैदान पर खड़ा होकर शपथ ले रहा था और शपथ लेने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस तक सरकार की पहुंच पहुंचनी चाहिए, जिस तक आज तक सरकार की पहुंच नहीं पहुंच पाई। सोचते सोचते वो विचार मेरे दिमाग में घूमता रहा और फिर मैंने सचिवालय की कुर्सी में ना जाकर अनाथ आश्रम टूटी गंदी का रास्ता अपनाया। लोग मेरा सचिवालय में एक रस्म अदायगी होती है, सभी सचिव सरकारी अधिकारी वहां मेरा इंतजार कर रहे थे और जब मैं टूटी गंडी पहुंचा तो मैंने उन प्यारे बच्चों से बहुत कुछ सीखा, कैसे वो आपसी भाईचारे में रह रहे हैं। मैंने उनके दिल को पढ़ा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उनके दिमाग को पढ़ा और मेरे मन में उसी समय एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जाकर मैं कोई ऐसा फैसला करूं जिससे ये बच्चे अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सके। और आज जब मैं आपके बीच में इसी रिज मैदान पर खड़ा होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं खुद को और मेरी सरकार खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, ये कानून सिर्फ हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को लिए बनाया गया, जो बच्चे जिनके ना माता है ना पिता है, कि उनको कैसे उनको अधिकार दिया जाए। आज कानून के अधिकार के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य के बच्चे कहलाएंगे। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने इस कार्य योजना पर काम करना शुरू हुआ। हमने सुधा जी से, एकता कप्ता जी से और ये जो सामाजिक रूपाली ठाकुर जी से, सब सामाजिक अधिकारियों से हमारी बैठक की, क्योंकि योजना को धरातल में लाना ही सही मायने में उसका सही उत्तर होता है। तो हमने इस योजना को आज 10 महीने बाद अमल में लाया है और ये हिमाचल प्रदेश सरकार की, जब से सरकार बनी है, पहली ये कल्याणकारी योजनाएं समाज के उन बच्चों को समर्पित है जो समाज में अपने आप को अलग महसूस करते थे। इस योजना के द्वारा अब वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस नहीं करेंगे। ये मेरे व्यक्तिगत मन में बहुत खुशी हो रही है, जब ये योजना बनी, पैसे कहां से आएंगे, कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके बाद आपदा का कहर इस प्रदेश पर पड़ा, लेकिन दृढ़ निश्चय था हमारा कि हम इन बच्चों को गोद लेंगे।
और जब मैं आज आपको प्राइज बांट रहा था, स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बांट रहा था और सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था, मैं मन ही मन में बड़ा फलीभूत महसूस कर रहा था। मुझे सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि अभी हमें और पता लगा है कि तकरीबन 2700 के करीब बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं वो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है। हमने कहा कि आज के बाद से उन 2700 बच्चे जो भावी जिनकी पहचान अभी हुई है उनको हर महीने हम 4000 रुपया बोनस के रूप में, पेंशन के रूप में 27 साल तक देंगे। ये फैसला हमने किया। जब ये योजना बन रही थी ये मत सोचिए कई बैठकों का दौर इसमें हुआ, कई घंटे लगे, बड़ा विवेकपूर्ण सोचा गया, प्रूडेंटली सोचा गया कैसे संरक्षण करना है, कहीं बच्चों का शोषण ना हो। इस दृष्टि से जब इस योजना को अमली जामा पहनाया गया तो हमने फैसला किया जो भी पैदा होने वाला बच्चा है अगर पैदा होते हुए किसी कारणवश दुर्घटनावश उनके माता पिता उनको छोड़कर चले जाते हैं ये सरकार उसका ख्याल रखेगी। फिर हुआ कई ऐसे बच्चे भी थे जिनके माता पिता का किसी को ज्ञान नहीं था, आश्रम में छोड़ दिए गए, उन बच्चों को पालेगा कैसे, एक बच्चा को पालना बहुत मुश्किल काम होता है। हमने उसके लिए भी व्यक्तिगत तौर से जो छोटा बच्चा था उसके लिए एक नर्स का प्रावधान किया कि जब तक वो मदर फील्ड लेता है तब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसे एक नर्स के द्वारा पाला जाएगा। फिर जब वो बड़ा होगा तो 3 बच्चों के लिए एक मैट्रन रखी जाएगी। इस ढंग से हम इस योजना को अमली जामा पहना रहे हैं। अब बच्चा प्लस टू के बाद जाएगा कहां, प्लस टू के बाद किस दिशा में जाएगा वो, प्लस टू के बाद तो अनाथ आश्रम के बाद कहां जाएगा, कोई योजना नहीं थी। हमने कहा प्लस टू के बाद जो बच्चा पढ़ना चाहेगा, पीएचडी तक करना चाहेगा, IIT में सिलेक्ट होगा, IIM में सिलेक्ट होगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, नर्सिंग कॉलेज में जाएगा, कहीं भी शिक्षा का क्षेत्र में जाएगा, उसको पूरी फीस हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। हॉस्टल का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब फीस भी हो गई, हॉस्टल का खर्चा भी हो गया, अब बच्चे को पहनने के लिए क्या चाहिए। शिमला में सर्दी होती है, ऊना में गर्मी होती है। हमने कहा प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक वर्ष 10000 रुपया बिलोंगिंग कपड़ों के लिए दिए जाएंगे। यही नहीं, फिर मन में एक और विचार पनपा कि अब जब वो कॉलेज जाएगा तो उसकी जेब खाली होगी, अपने चाचा से मांगेगा, मामा से मांगेगा, दोस्त से मांगेगा, भाई से मांगेगा, भाई भी एक बार देके थोड़ा सा उठ जाएगा, झंझलाहट पैदा हो जाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए हमने कहा कि जो भी बच्चा पढ़ेगा 18 साल से ऊपर, अब तो जो भी बच्चा 27 साल तक की उम्र में होगा उसको 4000 रुपया मिलेगा और बच्चे को जो कॉलेज जाएगा हॉस्टल में रहेगा 4000 रुपये की पर मंथ पॉकेट मनी देने की हमने इस योजना के तहत घोषणा की है। अब हर महीने उसे 4000 रुपया मिलेंगे और 12 महीने के से 48000 रुपया मिलेंगे। पढ़ लिख कर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्लस टू के बाद अपना रोजगार करना चाहते हैं, अब रोजगार करने के लिए उसको धन कौन देगा। उस स्थिति को देखते हुए अभी जब मैं 3 बच्चों को धन दे रहा था 2-2 लाख रुपया, उस योजना को हमने कहा
कि जो भी बच्चा अपनी योजना शुरू करना चाहता है उसको हम 2 लाख रुपया इस योजना अपना काम स्टार्टअप करने के लिए देंगे। एक बेटी आई बिलासपुर से, उसने अपनी योजना शुरू की है, सरकार की तरफ से उसे 2 लाख रुपए का धन उपलब्ध कराया गया। फिर 27 साल के बाद अगर बच्चा रोजगार ही रह गया, कोई रोजगार के अवसर नहीं मिले, तो हमने कहा कम से कम उसको घर बसाने के लिए 3 विश्वा या 2 विश्वा शहरों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रकार की नोटिफिकेशन देगी, फिर मकान बनाने के लिए भी उसको धन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वो 27 साल में अपने आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस प्रकार की यह हमारी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना देकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस कल्याणकारी योजना के द्वारा और भविष्य की योजनाओं के लिए रास्ता खोला। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, इस जीवन में आप आए हैं और जीवन में आपको भगवान ने एक ऐसा जीवन दिया जिसमें आपको शुरू में बहुत दुख हुआ, होता है, माँ बाप नहीं रहते हैं, छोटे बच्चे को तो महसूस नहीं हो पाता, लेकिन 10-8-10 साल के बाद 10-11 साल के बच्चे को जब महसूस होता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा। इस दृष्टि से भी हमने इसमें प्रावधान कर रखा आपके कि आपके को हम हर साल जितने में हमारे हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे हैं उनको 1 साल में 15 दिन का एकेडमिक टूर या एक्सपोजर टूर बनाकर उन्हें घुमाया जाएगा और उस एक्सपोजर टूर में ट्रेन से लेकर एयरप्लेन का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये आपका अधिकार है। और उसमें रहने की सुविधा जिस प्रकार हम अपने बच्चों को ले जाते हैं ना, अपने बच्चों को ले जाते हैं, अच्छे होटल में ठहराते हैं, हमने कहा हमारे जो बच्चे ये हैं इनको 30 साल होटल में सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से आपको अपनी पढ़ाई की दिशा तय करने का मौका मिलेगा। आपको ये भी, कोई बच्चा अगर कोचिंग चाहता है मेडिकल कॉलेज की, IIT की, एक बच्चे ने कहा कि मैं HS की कोचिंग लेना चाहता हूं, सरकार उसके कोचिंग का भी पूरा खर्चा उस बच्चे को उपलब्ध करवाएगी। और बेटा, मैं आप बच्चों को ये कहना चाहता हूं, जीवन में कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। समाज एक दूसरे को जोड़कर बनता है। समाज में जब आप आते हैं तो समाज की सुरक्षा और रक्षा करना का दायित्व भी आपके ऊपर होता है। आप में से ही कोई बच्चा इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता है। लगनशीलता, दृढ़ निश्चय और कर्म से आगे आगे बढ़ोगे, कोई कुर्सी ऐसी नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर ना हो। आप बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हो, आप बड़े बड़े इंजीनियर बन सकते हो, आप राजनीति में आ सकते हो। और शिक्षा में भी कभी आप ये मत सोचना, मैं भी एक आम स्कूल से पढ़ा हूं, टाट के स्कूल से पढ़ा हूं, टाट होता था उसमें। आज जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता हूं तो आप ही सब इस कुर्सी पर विजय दे सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल से आप लोग पढ़े तो जो शिक्षा को अच्छी तरह पढ़ता है वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ा हो, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, और ध्यानपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, भगवान भी उसका साथ देता है। तो इस लक्ष्य के लिए आप आने वाले कल के नेता भी हो, आने वाले कल के इंजीनियर भी हो, आने वाले कल के साइंटिस्ट भी हो, आने वाले कल के डॉक्टर भी हो, आने वाले कल के महान खिलाड़ी भी हो सकते हैं। अपने रास्ते से नहीं भटकना। जब छोटी उम्र होती है ना तो रास्ते से भटकते, अपने रास्ते से नहीं भटकना, अपने लक्ष्य की पूर्ति करना।
सरकार के पास आपका अधिकार है। कोई भी बच्चा सरकार से अपने अधिकार की बात कर सकता है। ये कोई आप पर दया नहीं है, ये आपको कानूनी अधिकार दिया गया है हमारी सरकार द्वारा। आप कानून के माध्यम से भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हो। कोई भी आपको तंग करता है उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो। इस प्रकार से ये योजना को आपको हमने आपको फायदा दिया है। अभी आने वाले समय में और आप बड़ी योजनाएं देखेंगे, उनका उल्लेख नहीं मैं अभी करना चाहता। महिलाओं से संबंधित हम कई अच्छी योजनाएं आने वाले समय में ला रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आपदा से अभी उभरे हैं और आपदा के बाद हमने आपदा का भी जो चुनौती थी उस चुनौती का डटकर मुकाबला किया और आपदा की लड़ाई भी हमने लड़ाई की तरह न लड़कर हमारी सरकार ने युद्ध की तरह लड़ी है। और आज आपदा से जब हम उभरे हैं, आपदा में प्रभावित परिवार जो 16,000 परिवार है जिसमें 3,500 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, 13,000 घर पार्शली डैमेज हो चुके हैं, तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल को नुकसान हो चुका है। हमने कहा हम अपने संसाधनों में कटौती करके उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व भी हमारी सरकार का, और हमने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दिया है। ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि जिसका मकान गिर गया उसको 1,30,000 रुपया मिलता था, हमने सीधा बढ़ाकर 7,00,000 रुपया कर दिया। और जिसका कच्चा मकान भी गिरा है उसको हमारी सरकार ने कहा है कि आपका कच्चा मकान गिरा है, आपका चाहे 3,00,000 का था 4,00,000 का था, हमने उसको बढ़ाकर भी कहा कि आप अगली बार पक्के मकान में रहो, और हमने उसे 7,00,000 रुपया उसे भी दिया। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं एक बार फिर से कर्नल दहीराम शांडिल जी का, व्यक्तिगत तौर से सुधा जी का, और जितने भी सोशल वेलफेयर के ऑफिसर अधिकारी हैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि कर्नल शांडिल जी ने बार बार मीटिंगें लेकर हमारी इस योजना को आज अमली जामा पहनाया है। उसके लिए सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय के सभी अधिकारी कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं। और ये अभी जितने बच्चे हैं, जो 2700 बच्चे और पता लगे, इसके बाद जितने और भी बच्चे अगर माता पिता को खो चुके होंगे, सरकार उनको भी ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अभी जिन 30 बच्चों को जो लैपटॉप मिले हैं, वो 10वीं के बाद के जितने भी बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, 298 बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे, क्योंकि अभी जो लैपटॉप का ऑर्डर है वो सभी 11वीं 12वीं बच्चों को जो हमने कहा है उनको देने के लिए है। तो सभी जो बाकी बचे बच्चे हैं 298 उनको भी उपलब्ध 2-4 दिन में आपको हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्यारे बच्चों से एक बार फिर कहना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हैं, और जब आप अकेले नहीं हैं सरकार आपके साथ है, तो आप अपने को आपको कभी बेसहारा ना सोचना। ये अधिकार आपके हाथ में है, सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से उन प्यारे बच्चों का जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दिशा तय कर रहे हैं, एक बार फिर से इस योजना को शुरू होने के लिए समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जहां हमारी पहुंच पहुंची है, हम पहुंचे हैं इस योजना के माध्यम से, मैं एक बार सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।